हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएससी जर्मन यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आइडेंटिटी कार्ड को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमें वर्ड ओपन कर लेना है, तो हम सर्च बॉक्स में वर्ड लिखेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक ब्लैंक शीट ओपन हो गई है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे और शेप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेंगे। जैसे हमने एक रेक्टेंगुलर शेप ले ली, हम जो भी हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है आइडेंटिटी कार्ड का, उसके हिसाब से इसे रीसाइज कर देंगे। तो हम हाइट जो होती है हमारी मैक्सिमम होती है 7.75 और जो विड्थ होती है वो होती है 11.56। और इस हिसाब से हमारा जो आइडेंटिटी कार्ड है, जो हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया था, वो रीसाइज हो गया। हम इसे थोड़ा सेंटर अलाइन कर देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप पे हमारे इंसर्ट टैब पे जाएंगे, हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और जो हमारा बॉक्स हमने ऑलरेडी लिया हुआ था उसके कॉर्नर के हिसाब से स्टार्ट करके हम एक टेक्स्ट बॉक्स इसके अंदर प्लेस कर देंगे। उस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके हम कंट्रोल प्रेस करेंगे और सेम जो कॉपी है उसे हम नीचे भी डिजाइन कर देंगे। अब जो हमारा ऊपर वाला टेक्स्ट बॉक्स है उस पर हम स्कूल का नाम लिखेंगे, जो भी हमारे स्कूल का नाम है, जैसे कि हमने लिख दिया। अब हम इससे कंट्रोल प्लस ए से भी सिलेक्ट कर सकते हैं माउस की हेल्प से भी, एंड देन हम होम टैब पे जाके इसका फॉन्ट चेंज कर देंगे और इसका साइज भी बढ़ा देंगे, एंड सर इस सारे टेक्स्ट को हम सेंट्रली अलाइन कर देंगे, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। और इसका फॉन्ट का जो कलर है वो हम येलो रखते हैं। देन हम फिर से टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट टैब पे क्लिक करेंगे एंड शेप फिल में हम ब्लू कलर डाल देते हैं। अब ये थोड़ा सा अच्छे से विजिबल लग रहा है। ये हमारे स्कूल का नाम हो गया। देन हम जो हमारा नीचे हमने टेक्स्ट बॉक्स प्लेस किया है, यहाँ पे हम स्कूल का एड्रेस, स्कूल की ईमेल आईडी और उसका कॉन्टेक्ट नंबर लिखेंगे। पिन कोड भी बहुत नेसेसरी है एड्रेस के साथ लिखना, एंड नीचे हम उसका कॉन्टेक्ट नंबर लिख लेंगे एंड थोड़ा सा स्पेस डाल के हम उसकी ईमेल लिखेंगे। स्कूल की कॉन्टेक्ट इन्फो डालना काफी नेसेसरी होता है आइडेंटिटी कार्ड में। अब हम इन्हें कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट करके होम टैब पे जाके जो हमारा पैराग्राफ का ब्लॉक आता है वहां पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है लाइन स्पेसिंग, वहां पे जाके रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करेंगे तो इसके बीच की जो स्पेस है वो रिमूव हो जाएगी और हम इसे सेंट्रली अलाइन कर देंगे। हम चाहें तो इनके बीच की जो स्पेस है वो कम भी कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छे से विजिबल हो। इन्हें सेलेक्ट करके हम इसका फॉन्ट वापस से टाइम्स न्यू रोमन कर देंगे और इस तरह बोल्ड करके इसका साइज भी बढ़ा देंगे, जिस तरह से भी हमारे कार्ड में सूटेबल लगे या जिस तरह से भी आपको फॉर्मेटिंग अच्छी लगे। हम भी इसका फॉन्ट कलर भी येलो कर देंगे और टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके फॉर्मेट टैब पे जाके इसमें भी हम शेप फिल में ब्लू कलर कर देंगे। आप चाहे तो अपने बॉक्स का साइज बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मुझे लगा है कि काफी बड़ा है तो मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर रही हूँ, थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है फोटोग्राफ लगाना। तो फोटोग्राफ के लिए हम सबसे पहले इंसर्ट टैब पे जाएंगे, पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले हमें क्या करना है, एक शेप लेनी है। अगर हम ऐसी पिक्चर ले लेंगे तो वो उसकी अलाइनमेंट नहीं सही बैठेगी, तो हम पहले क्या करेंगे, एक शेप ले लेंगे। हम कोई भी शेप ले सकते हैं, राउंडेड, रेक्टेंगल या रेक्टेंगल, बट हम फोकस करेंगे रेक्टेंगल पे। और हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल करके शेप ले फोटो ले ली, शेप ले ली। अब हम इसमें पिक्चर डालेंगे ताकि पिक्चर की अलाइनमेंट जो है वो सही रहे। तो इस पे पिक्चर डालने के लिए हमने फॉर्मेट टैब पे जाना है, शेप फिल पे क्लिक करना है, पिक्चर वाले ऑप्शन पे जाना है और जहां पे भी हमने पिक्चर सेव की है, जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पे की है, वहां पे क्लिक कर देंगे। देखो अब ये फोटो क्लियरली आ गई, अब हमें इसको अलाइन करने की जरूरत नहीं है।
फोटो वाले कॉलम को थोड़ा नीचे करेंगे और इससे पहले हम एक और टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। इंसर्ट टैब पे जाके शेप्स के ऑप्शन पे जाके हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे जो हम स्कूल के नाम के नीचे प्लेस कर देंगे और जिसमें हम लिखेंगे स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड। सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके जो इस टेक्स्ट बॉक्स में हमने लिखा है बोल्ड करके सेंटर अलाइन कर देंगे और इसमें हम इसका कलर करेंगे ब्लू और इसका बैकग्राउंड करेंगे हम टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके फॉर्मेट टैब पे जाके येलो। तो ये थोड़ा कंट्रास्टिंग हो जाएगा। इसका फॉन्ट भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट रखे हैं, तो हम इसका फॉन्ट कर देते हैं टाइम्स न्यू रोमन। और ये हमारा जो है इसकी इस शेप पे जैसे हम क्लिक करेंगे और फॉर्मेट टैब पे जाएंगे तो इसकी एक हमारे पास एक ऑप्शन आएगा शेप आउटलाइन, वहां हम इसकी आउटलाइन रिमूव कर सकते हैं और नो आउटलाइन पे क्लिक कर सकते हैं। अब जो हमारी फोटो है इसका थोड़ा सा साइज कम करेंगे और हम फोटो के नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स प्लेस करेंगे या एक शेप भी प्लेस कर सकते हैं हम खाली, जिसमें हम स्कूल की स्टैम्प या फिर स्कूल का जो भी सिग्नेचर है वो वहां पे आएगा। तो हमने इसी के साथ इसको ऐड कर दिया जहां पे स्कूल का जो भी सिग्नेचर है जो इसको ऑथोराइज करते हैं आइडेंटिटी कार्ड को वो वहां पे मेंशन होगा। अब हमारे पास ऑप्शन है बाकी डिटेल्स लिखने का। तो हम बाकी डिटेल्स डालने के लिए भी इंसर्ट पे जाएंगे, शेप्स पे क्लिक करेंगे और एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। और हम इसमें डिटेल्स डालेंगे, जैसे सबसे बेसिक डिटेल है नेम, देन क्लास, देन रोल नंबर, देन फादर्स नेम, एंड देन कॉन्टेक्ट नंबर। ये जो डिटेल्स है ये बहुत बेसिक है और ये जो आइडेंटिटी कार्ड में होनी ही चाहिए। हम पूरे जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसको कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट करेंगे, होम टैब पे जाएंगे और इनके बीच की जो स्पेसिंग है उसे रिमूव कर लेंगे। हम चाहें तो थोड़ी बहुत स्पेसिंग रख भी सकते हैं अपने हिसाब से कि हमें किस तरह से सेट बैठ रहे। सपोज मेरे को 1.5 की स्पेसिंग ठीक लग रही है तो हम ये रख लेंगे, इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे और चाहे तो इनका साइज भी बढ़ा सकते हैं। सपोज अगर मैं इसका साइज बढ़ा दूं और स्पेसिंग एक कम कर दूं तब भी ये क्वाइट बेटर लग रहा है। जब भी हमें कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है तो हमें कोशिश करना है कि हम जो है क्या कहते हैं उसे कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट करके करें ताकि हमारी जो भी है वो इजिली हर चीज में फॉर्मेटिंग हो जाए। तो ये हमारा कुछ कार्ड डिजाइन हो गया है। अब हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हम अगर टेक्स्ट बॉक्स का बैकग्राउंड कलर जो है उसे हम फिल करना चाहें तो हम उसे इस तरह से फिल कर सकते हैं। हम लाइट फिल भी कर सकते हैं अगर हम चाहें। सपोज मैं यही वाला ओके करती हूँ और जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स की आउटिंग है आउटलाइन है उसे हम रिमूव कर लेंगे। अभी हमारा कार्ड जो है फाइनल डिजाइन हो गया है, जिसमें हमने स्कूल का नाम, स्कूल के आइडेंटिटी कार्ड की जो डिटेल्स है, स्टूडेंट की नेम, क्लास, रोल नंबर, फादर्स नेम, ब्लड ग्रुप एंड कॉन्टेक्ट नंबर भी डाला और अपने हिसाब से कोई भी जो डिटेल्स है आप डाल सकते हैं।
एंड इसमें हमने स्कूल की एड्रेस, उसका उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी डाली है और हमने फोटो भी लगाई है स्टूडेंट की, और नीचे स्कूल की ऑथराइजेशन के लिए हमने प्लेस भी छोड़ी है जहाँ पे हम उसका साइन कर सकते हैं। सो हियर इज द वीडियो, होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड और ऐसी वीडियोस देखने के लिए, सुनने के लिए CSE जम्मू के यूट्यूब चैनल को फॉलो जरूर कीजिए।